हे गाइस, एक और वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, फाइनली वीवो ने ऑफिशियली एंड्रॉइड 12 के शेड्यूल लिस्ट को रिलीज कर दिया गया है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इसी शेड्यूल लिस्ट के बारे में बात करेंगे एंड आप सभी को आज के वीडियो में बताऊंगा कि वीवो के कौन कौन से डिवाइसेस में एंड्रॉइड 12 का अपडेट दिखने को मिलेगा। और गाइस, देखा जाए तो यहाँ पर इस लिस्ट में कोई कोई ऐसे डिवाइस शामिल है जिनको एंड्रॉइड 12 का अपडेट नहीं मिलने वाला था, लेकिन उन सभी को एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलेगा। और कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ पर लिस्ट में शामिल नहीं है। तो देखा जाए तो बहुत कंफ्यूजन है आज के वीडियो में, वो सब कुछ के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो में, तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छे न्यूज़ ऐप के बारे में बता देता हूँ जिसका कि नाम है सिंकू टीवी। गाइज, अगर आप भी न्यूज़ देखने के शौकीन हैं, आप चाहते हैं हमेशा लाइव न्यूज़ देखना, तो गाइज ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन होगा। क्योंकि गाइज, इस एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी न्यूज़ चैनल मिल जाते हैं जिसके मदद से गाइज आप बहुत सारी न्यूज़ देख पाएंगे, यानी कि लाइव न्यूज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, ये एप्लीकेशन टोटली फ्री एप्लीकेशन है, यानी कि इस एप्लीकेशन को आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, फटाफट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं एंड्रॉइड 12 के शेड्यूल लिस्ट के बारे में। जैसे कि गाइस यहां पर आप देख सकते हैं, इन्हीं सारे डिवाइसेस को एंड्रॉइड 12 का अपडेट दिखने को मिलेगा। यहां पर गाइस आपको देख सकते हैं, आपको टाइमिंग भी दिया गया, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अगर अपडेट मिलेगा तो कब दिखने को मिलेगा। तो जैसे कि गाइस सबसे पहले तो देख सकते हैं यहां पर जो सबसे पहले डिवाइस है जिनको एंड्रॉइड 12 का अपडेट दिया जाएगा, वो गाइस है वीवो के तरफ से X70 प्रो प्लस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है गाइज, इसको एंड नवंबर 2021 में अपडेट दिया जाएगा। मतलब कि जो अपडेट है वो गाइज ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सभी को मिल जाता है, लेकिन जो अपडेट है वो रोल आउट स्टार्ट किया जाएगा नवंबर एंड में, मतलब कि नवंबर के जो लास्ट वीक है उसमें रिलीज किया जाएगा। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं जो सेकेंड बैच रोल आउट किया जाएगा उसमें X60 प्रो प्लस, X60 Pro, X60, V21 और Y72 5G, इन सभी डिवाइसेस को अपडेट मिलेगा। और ये जो अपडेट है गाइज ये इन दिसंबर 2021 में मिलेगा, यानी कि समझ सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में अपडेट जो है वो रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद गाइज जो भी अपडेट दिया जाएगा वो गाइज 2022 में दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी में दिया जाएगा। बात करें डिवाइसेस के बारे में तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं X70 Pro को दिया जाएगा V21e, V20, Y21, Y51a और Y31। तो ये सारे जो डिवाइसेस है गाइज इनको जनवरी में दिया जाएगा, यानी कि 2022 में दिया जाएगा। और गाइज उसके बाद जो बैच रोल आउट किया जाएगा वो किया जाएगा इन मार्च 2022 में, यानी कि गाइज मार्च के लास्ट वीक में रिलीज किया जाएगा। और गाइज इस बैच में आप देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि X50 Pro, X50, V20 Pro, V20 SE, Y33S, Y20G, Y53S और Y12S, इन सभी डिवाइसेस को दिखने को मिलेगा इस बैच में। देख सकते हैं गाइज यहाँ पर जो शेड्यूल लिस्ट दिया गया बहुत ही ठीक दिया गया, मतलब कि टाइमिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं जो अपडेट दिया जाएगा अगले बैच में वो दिया जाएगा गाइज अप्रैल में, यानी कि अर्ली अप्रैल, यानी कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में दिया जा सकता है अप्रैल के, वो देख सकते हैं। और इस बैच में गाइज S1 और Vivo Y19, यानी कि इन दोनों डिवाइसेस को अप्रैल मंथ में अपडेट दिखने को मिलेगा। अब गाइज ऐसा नहीं है कि अप्रैल में दिया गया तो अप्रैल में ही दिया जाएगा, हो सकता है ये फ्लक्चुएट हो क्योंकि जो अपडेट है वो थोड़ा टाइम लगता है आने में। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं गाइज इन अप्रैल में दिया जाएगा, यानी कि जो लास्ट बैच दिया जाएगा वो अप्रैल के एंड वीक में दिया जाएगा 2022 में। और इस बैच में आप देख सकते हैं V17 Pro, V17 S1 Pro, Y73, Y51, Y20, Y20i एंड Y30, इन सभी को डिवाइस को दिखने को मिलेगा। अब गाइस जैसा कि मैंने आपने देखा था शुरुआत में, मैंने ये बताया था कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको अपडेट नहीं मिलने वाला था लेकिन उनको भी दिया गया। अब गाइस वो डिवाइस ऐसे हैं कौन? तो जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एस सीरीज में जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि S1, S1 Pro, इसके अलावा V17 Pro, V17, इन सभी डिवाइस को ऑलरेडी दो मेजर ओएस अपडेट दिया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर तीसरा मेजर ओएस अपडेट दिया जा रहा है, मतलब कि गाइस एंड्रॉइड 10 का अपडेट दिया गया, एंड्रॉइड 11 का अपडेट दिया गया और इस बार एंड्रॉइड 13 का भी, मतलब एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट दिया जा रहा है। तो देखा जाए बहुत अच्छी बात है कि इन सभी डिवाइस को तीसरा बार अपडेट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे भी डिवाइसेस हैं जिनको अपडेट मिलना चाहिए था, जैसे कि Z1 सीरीज है, वो बहुत सारे यहाँ पर डिवाइस, मतलब Z1 Pro हो गया, Z1X, उसके बहुत सारे कस्टमर हैं। देखा जाए तो उनको मिलना चाहिए था क्योंकि इन सभी को जब तीन बार दिया जा सकता है तो ऑफकोर्स Z सीरीज को देना चाहिए था, तो उनको नहीं मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं Z सीरीज शामिल नहीं है,
तो उनको जरूर मिलना चाहिए था, बट पता नहीं वीवो ने उन्हें नहीं दिया, बट माइट भी हो सकता है मिले, क्योंकि कई बार आपने देखा था इसके पहले भी जब एंड्रॉइड 11 का जब शेड्यूल लिस्ट आया था उसमें कुछ कुछ डिवाइस थे जो शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में अपडेट दिया गया था, जैसे कि Y12 हो गया, Y11, Y15, Y17, Y19, इन सभी को मिला था लेकिन शेड्यूल लिस्ट में शामिल नहीं थे। तो हो सकता है Z1 सीरीज हो गया या Vivo V15 सीरीज हो गया, इनको अपडेट मिले, बट यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें तो बस यही सारे डिवाइसेस दिए गए। तो अगर आपका जो मोबाइल इसमें शामिल है तो आपको अपडेट दिया जाएगा, डेट भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ ऊपर में आप देख सकते हैं शेड्यूल लिस्ट आपको दिख रहा होगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। और एक बहुत ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइज ये कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार भी फन टच ओएस के बारे में नहीं बताया गया, यानी कि जो फन टच ओएस जो वीवो का ओएस है उसके बारे में नहीं बताया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 के साथ हमें फन टच ओएस 12 दिखने को मिलना चाहिए था, लेकिन गाइज यहाँ पर जो शेड्यूल लिस्ट दिया गया उसमें फन टच ओएस 12 के बारे में बताया ही नहीं गया। जी हाँ गाइज, आप देख सकते हैं फन टच ओएस 7 लिखा हुआ, इसके पहले अभी आपने देखा था एंड्रॉइड 11 का जब अपडेट आया था तो उसमें जो फन टच ओएस 11 है उसके बारे में नहीं बताया गया था, और फन टच ओएस 11 का अपडेट हमें मिला भी नहीं। इसी तरह गाइज यहाँ पर फन टच ओएस 12 के बारे में भी इस बार नहीं बताया गया, और माइट भी हो सकता है कि फन टच ओएस 12 हमें अपडेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ भी कन्फर्म अभी नहीं है। तो गाइज हो सके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कन्फर्म न्यूज़ आए या फिर कोई भी किसी तरह का न्यूज़ आए या फिर किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट रिलीज़ किया जाए आपको हमारे चैनल पर अपडेट की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।